नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद चौधरी, स्वागत है आपका सक्सेस स्टेप में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने यूपीपीसीएस के लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, उसमें हम हर वीडियो में 50 क्वेश्चन करते हैं करंट अफेयर से और जीएस से। अभी करंट अफेयर की सीरीज चली हुई है, तो अभी आज की भी जो सीरीज है वो भी करंट अफेयर की रहने वाली है। तो आज भी हम 50 क्वेश्चन करेंगे, वो एमसीक्यू टाइप रहने वाले हैं, 50 के 50 क्वेश्चन। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। लेकिन शुरू करने से पहले इतना ही, अगर आपके पास कोई भी सजेशन या कोई भी फीडबैक है तो हमें कमेंट करके बताएं। आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं, मेरी फेसबुक आईडी है govind.athri.338 और मेरा ट्विटर अकाउंट है govindc141179। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हैशटैग मीटू की तरह किस देश की महिलाओं ने हिल्स के विरोध में #Q2 अभियान चलाया है? चीन, अमेरिका, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? ये किस देश में #Q2 अभियान चलाया गया और ये क्यों चलाया गया? पहला तो ये चलाया गया जापान में। देखो, मैं जैसे कहता हूँ, मैं वीडियो के बीच में बार बार नहीं रुका करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया करना, क्योंकि अगर मैं बार बार रुकूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। तो जापान में ये अभियान चलाया गया महिलाओं के द्वारा, और ये हाई हील्स के खिलाफ, जो हील्स होती हैं उनके विरोध में ये अभियान चलाया गया था महिलाओं ने। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में कितना वृद्धि की है, यानी जो चीन ने पाकिस्तान को कितनी अभी लोन दिया है? तो 5.2 बिलियन डॉलर, 3.2 बिलियन डॉलर और 4.2 बिलियन डॉलर या 2.2 बिलियन डॉलर? तो इसका आंसर है डी, 2.2 बिलियन डॉलर जो चीन ने अभी हाल ही में पाकिस्तान को दिए हैं। 1 अप्रैल 2019 को भारत के एमीसैट के साथ इसरो कितने अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह लॉन्च किया गया, यानी जो इसरो ने 1 अप्रैल 2019 को भारत का जो एमीसैट था उसके साथ में कितने अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह लॉन्च किए? तो 21, 28, 50 या 30? तो इसका आंसर है 28। 28 उपग्रह इसरो ने लॉन्च किए थे। दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग प्लांट डेस में खुल गया है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग प्लांट खुला है अभी हाल ही में, वो कहां पर खुला है? संघाई, रियाद, मॉस्को या फिर दुबई? तो वो खुला है दुबई में। पाकिस्तान ने हाल ही में भारत के हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए निम्न में से किस मंदिर के लिए गलियारा खोलने की स्वीकृति दी है? देखिए, पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर पड़ता है, काफी हिंदुओं में उसकी काफी ज्यादा मान्यता है, तो पाकिस्तान ने हाल ही में उसके लिए गलियारा खोलने की अनुमति दे दी है। ध्यान रखना, किसके लिए? हिंदू मंदिर है, हिंदू तीर्थयात्रियों को अनुमति दी है। तो कौन सा मंदिर है? लक्ष्मी नारायण मंदिर, शारदा पीठ, मलोट मंदिर या फिर गोरखनाथ मंदिर? तो इसका आंसर है बी, शारदा पीठ के लिए पाकिस्तान ने गलियारा खोलने की अनुमति दे दी है। ये शारदा पीठ, ये वो मंदिर है, काफी जीर्ण हालत में है ये, जब से आजादी के बाद में इसमें काफी ज्यादा बार टूट फूट हो चुकी है। इसको काफी ज्यादा बार जो यहाँ पर कुछ मूर्तियां वगैरह थी उनको पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है, लूटा जा चुका है। तो लेकिन अब पाकिस्तान ने यहाँ पर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए गलियारा खोलने की अनुमति दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का हवाई अड्डा अब दुनिया का 12वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया? ध्यान रखना, कौन सा 12वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? तो कौन सा है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है, दूसरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दलीवाला, और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, और कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंगलुरु। तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दली, ये दुनिया का 12वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, यानी WEF ने एक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ध्यान रखना कौन सा है इसका नाम, ध्यान रखना पहला तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, दूसरा जारी किसके द्वारा किया जाता है, WEF के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है 2019 में, 72वां, 76वां, 80वां या फिर 102वां? तो इसका आंसर है 76, भारत ने पोजिशन इसमें अचीव की है। तो ये वो टॉप 10 कंट्री हैं जो एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2019 में, जो पहली 10 कंट्री हैं ये। पहला स्थान किसका है? देखो, हमको पहली 2-3 कंट्री पता होनी चाहिए, पहले स्थान पर कौन है और दूसरे पे कौन है, पहले 2-3 स्थान हमको पता होना चाहिए किसी भी इंडेक्स के, और भारत की पोजीशन, और फिर उसके बाद में जो हमारे नेबर वगैरह है उनकी पोजीशन, बस इतना पर्याप्त रहता है। तो पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, और तीसरे पे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में है तीसरे स्थान पर नॉर्वे, और चौथे पांचवे पर फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नीदरलैंड और आइसलैंड, ये हैं बाकी जो 10 स्थान है उन पर। तो हु इज द ऑथर ऑफ
एवरी वोट्स काउंट बुक विच वॉज लॉन्च बाई फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी इंडिया, यानी हामिद अंसारी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति के द्वारा अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की गई, उसका नाम था एवरी वोट काउंट, यानी प्रत्येक वोट की गिनती होती है। और इसके जो ऑथर है वो कौन है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, नवीन चावला, प्रियंका भट्ट, नितेश झा या सुमित्रा दास? तो इसका आंसर है ए, नवीन चावला के द्वारा एवरी वोट काउंट्स जो बुक है वो लिखी गई है, और इसको जो लॉन्च किया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था हामिद अंसारी के द्वारा। यूरोपीय संघ यानी ईयू के प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी पर हाल ही में लगभग 11,760 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ध्यान रखना, किसने, ईयू के प्रतिस्पर्धा, जो ईयू में उनका प्रतिस्पर्धा आयोग है उसने अभी ये जुर्माना लगाया है 11,760 करोड़ रुपए का। तो किस कंपनी पर लगाया है, अमेजन, फेसबुक, गूगल या बिंग पर? तो ये लगाया गया है 11,760 करोड़ रुपए का जुर्माना गूगल कंपनी पर। हाल ही में आई हेल्प पहल की शुरुआत कहां से हुई है, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम या फिर तमिलनाडु? तो इसकी जो आई हेल्प पहल है इसकी शुरुआत हुई है असम से। हाल ही में भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नामित किया गया, काफी इंपोर्टेंट है, काफी ज्यादा टाइम से इसको लेकर चर्चा हो रही थी, अब पहले लोकपाल नामित हो गए, विधेयक वगैरह सारे पारित हो चुके हैं। तो पहले लोकपाल किसको नामित किया गया है, अश्विनी कुमार, आलोक कामत, पीसी घोष या एस एन दास? तो इसका आंसर है पीसी घोष को पहला भारतीय लोकपाल नियुक्त किया गया है। 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी तो रूस, भारत, चीन या फिर सिंगापुर? तो इसका आंसर है भारत 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। इंडो पैसिफिक कॉपरेशन HLD IPC पर पहली बार उच्च स्तरीय वार्ता डेस में हुई आयोजित हुई, तो जकार्ता, टोक्यो, मिलान या फिर ओसाका? तो ये वार्ता हुई जकार्ता में, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, हालांकि अब इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी परिवर्तित करने का डिसीजन ले लिया है, अब वो नई राजधानी बनाने वाला है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इंडोनेशिया ने वो नाम भी दे दिया अपनी नई राजधानी के लिए, वो नाम क्या दिया है जो नई राजधानी वहां वो बनाने वाले हैं। गूगल ने हाल ही में एक वीडियो गेम स्ट्रीमिंग सेवा डेस्क का अनावरण किया है, तो उसका नाम क्या है, हुलू, पीहो, स्टाडिया या फिर जम्बो? तो इसका नाम है स्टाडिया। किस देश की सेना को 800 से अधिक नेपाली गोरखा सेवादारों की भर्ती करके एक नई विशिष्ट इन्फेंट्री बटालियन का निर्माण करना है, यानी कि अभी इनमें से एक देश है जिसने कि 800 से अधिक गोरखा, जो नेपाली गोरखा हैं, उनके भर्ती करके एक इन्फेंट्रियन बटाली बनाने वाला है वो अपनी सेना में, तो वो देश कौन सा है, अमेरिकी सेना, ब्रिटिश सेना, भारतीय सेना या फिर वो पाकिस्तानी सेना? तो इसका आंसर है ब्रिटिश, जो ब्रिटिश आर्मी है वो 800 नेपाली गोरखाओं की भर्ती करके एक इन्फेंट्री बटालियन बनाने वाली है अपनी आर्मी में। भारतीय रेल की कौन सी रेल कोच निर्माण इकाई विश्व की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता बन गई है? ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है जब कोई ऐसी, भारत किसी क्षेत्र में दुनिया में जब अव्वल होता है तब उस क्षेत्र में, तो वो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो वो कौन सी भारतीय रेल कोच निर्माता इकाई है जो विश्व की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता कंपनी बन गई है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF रायबरेली और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आसनसोल? तो इसका आंसर है ICF चेन्नई, यानी कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई। वह पहला भारतीय एथलीट कौन है जिसने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? तो पीटी उषा, दुती चंद, मिताली राज या KT इरफान? देखिए, अब इसमें से कुछ ऑप्शन तो बहुत आसानी से लेमिनेट करने वाले हैं क्योंकि पिक डाली हुई है, पिक से समझ सकते हैं पीटी उषा नहीं है, दुती चंद नहीं है, तीसरा मिताली राज। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है, आप वैसे भी इनको लेमिनेट कर सकते हो, और क्योंकि क्रिकेट अभी ओलंपिक में नहीं है तो इसलिए, और फिर चौथा ऑप्शन बचा KT इरफान। तो KT इरफान इसमें टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की ओर से क्वालिफाई करने वाले पहले एथलीट बने हैं, और साथ ही ये KT इरफान किस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, ये 20 किलोमीटर पैदल चाल में भाग लेते हैं। द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, कैसे नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया, पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम ध्यान रखना द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट और कैसे नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया, तो रघुराम राजन, अमर्त्य सेन, जयति घोष और सलमान अनीस सोच? तो इसका आंसर है डी, सलमान अनीस सोच। टी सीरीज अपने किस प्रतिद्वंदी को पछाड़कर सर्वाधिक सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल बन गया है? प्यूडीपाई, सेट इंडिया, कैनाल, कोडीजिला और जस्टिन बीबर? तो इसका आंसर है प्यूडीपाई को छोड़कर टी सीरीज सबसे ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर वाला चैनल बन गया है। आप भी सक्सेस स्टेप को जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, भारत में पहले ट्रांसजेंडर
चुनाव राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये पहले ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर नियुक्त किए गए भारत में, इनका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, के प्रथकारासनी, मधुबाई किन्नर या फिर गौरी सावंत? तो ये हैं, गौरी सावंत को भारत में पहले ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में किस देश ने अपनी देश की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया है? तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इराक या फिर कजाकिस्तान। इसमें से काफी दो हटाने काफी सिंपल है। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान नूर सुल्तान काफी कोई मैच नहीं होता, इराक या फिर कजाकिस्तान। तो इसका आंसर है कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया है वहां के अपने राष्ट्रपति के नाम के ऊपर। तो आप एक बार कजाकिस्तान की लोकेशन देख लीजिए, ये कजाकिस्तान है, इसकी राजधानी अस्ताना जो अभी तक अस्ताना थी, अब उसका नाम बदलकर नूर सुल्तान करने के लिए उन्होंने पारित कर दिया है। एक बार और पास की जो कंट्री है उन पर भी ध्यान दे लीजिए, कजाकिस्तान से बिल्कुल नीचे सटी हुई उज्बेकिस्तान, वहां से बिल्कुल ये तुर्कमेनिस्तान की भी बाउंड्री कजाकिस्तान से टच होती है। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो असगाबाद, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद है, और इधर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, और ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। तो ये सारी जो कंट्री हैं, ये इसमें एक ताजिकिस्तान को छोड़कर, ताजिकिस्तान की बाउंड्री कजाकिस्तान से टच नहीं होती, बाकी किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इनकी बाउंड्री कजाकिस्तान से टच होती है, और इधर ये कैस्पियन सी भी कजाकिस्तान से टच होता है। यहाँ अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डैश ने आम चुनाव के लिए 2019 के एक स्वैच्छिक कोड ऑफ एथिक्स प्रस्तुत किया है, एक स्वैच्छिक कोड ऑफ एथिक्स प्रस्तुत किया है। इनमें से किसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ यह प्रस्तुत किया है? लोकसभा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इनमें से किसने ऐसा किया है? ये किया है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंक क्या है? यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस 2019 में जो भारत की रैंकिंग है वो क्या है? 113, 137, 131, 140 या फिर 156? तो ये है 140। भारत ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में 140वां स्थान प्राप्त किया। अब इसमें आप देख लीजिए, जो पहले स्थान पर है वो फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर है नॉर्वे। और अब हमारे जो साउथ एशियन जो कंट्री है, एक बार उन पर नजर डालिए, पाकिस्तान हमसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी ज्यादा आगे है। काफी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि हम हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान से काफी पीछे हैं। पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 67 है, भूटान 95, नेपाल 100, बांग्लादेश 125, श्रीलंका 130, इंडिया की जो रैंकिंग है, देखिए अपने लगभग सारे के सारे जो साउथ एशियन कंट्री है भारत लगभग सबसे पिछड़ा हुआ है, और अफगानिस्तान की है जो भारत से कम है 154, और भारत की जो लास्ट ईयर जो रैंकिंग थी वो 136 थी। इस बार चार पदायन का भारत को नुकसान हुआ है, इसलिए 140 हो गई है। कहां पर सबसे गहरी शाफ्ट गुफा की खोज की गई है? मेघालय, त्रिपुरा, असम या फिर उत्तराखंड? तो मेघालय में सबसे गहरी शाफ्ट गुफा की खोज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में विकास कार्यों के लिए पेड़ों को कटवाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु? तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा किया गया है। किस स्पेस एजेंसी ने लूनर रिकोसाइंस ऑर्बिटर यानी ऑर्बिटर यान ने चांद के आसपास रहे जल अणुओं की खोज की है? तो इसरो, नासा, CNS या फिर ESA? तो ये खोज की गई है इसरो के द्वारा, यानी इसरो ने, लूनर रिकोसाइंस ऑर्बिटर यान ने जो इसरो का है उसने चांद के आसपास जल अणुओं की खोज की है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसके इस्तेमाल से ग्राहक बिना कार्ड का इस्तेमाल किए ATM से पैसे निकाल सकते हैं? तो योनो कैश, योनो पैसा, योनो विड्रॉ और योनो ATM। तो इसका आंसर है योनो कैश। SBI ने योनो कैश ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है, इससे आप बिना कार्ड यूज किए ATM से पैसे निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत किस राज्य से की थी? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर दिल्ली? तो इसकी शुरुआत की थी गुजरात से। 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने गुजरात से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की। 29वां क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने किस कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया है? 7th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास या 8th क्लास? तो ये 9th क्लास के बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसरो के द्वारा शुरू किया गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके बीच दूसरा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? वियतनाम, साउथ कोरिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, इटली या फिर सिंगापुर? देखिए, पहला कहाँ पर आयोजित किया गया था, पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, ये आयोजित किया गया है वियतनाम में, और पहले वाला आयोजित किया गया था सिंगापुर में। तो दूसरा शिखर सम्मेलन वियतनाम, पहला सिंगापुर। किस देश ने 24 फरवरी 2019 को चाबहार बंदरगाह के माध्यम से पहली बार भारत को माल निर्यात करना शुरू कर दिया है? यानी चाबहार बंदरगाह पर, चाबहार बंदरगाह के द्वारा पहली बार भारत को किस देश ने माल निर्यात किया है? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या फिर इराक? तो पहली बार भारत को माल निर्यात किया है अफगानिस्तान ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राष्ट्र के बैंक के द्वारा बैंक के साथ द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड या फिर फ्रांस? तो ये भारत ने जापान की जो बैंक है उसके साथ में द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं रिजर्व बैंक ने। रक्षा मंत्रालय के अनुसार थल सेना की कितनी शाखाओं में महिला अफसरों की स्थायी कमीशन दिया जाएगा? 8, 10, 12 या फिर 15? तो 10 शाखाओं में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन अब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण हर घंटे करीब कितने लोगों की मौत हो रही है? 1200, 800, 1500 या फिर 100? तो 800 लोगों की लगभग हर घंटे वायु प्रदूषण के कारण, यानी प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण मौत हो रही है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। पुलवामा हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाले वीजा की अवधि को 5 साल से घटाकर कितने महीने कर दिया? 12 महीने, 20 महीने, 3 महीने या फिर 15 महीने? इसका आंसर है 3 महीने के लिए जो वीजा अवधि है उसको कर दिया गया है। पहले वो जो वीजा अवधि थी वो 5 साल तक थी, लेकिन अब उसको घटाकर पुलवामा हमले के बाद में 3 महीने के लिए कर दिया गया है पाकिस्तानी नागरिकों को। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में किस स्थान से वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है? अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई या फिर हैदराबाद? तो इसका आंसर है अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई क्लासनिकोव AK-203 राइफल के निर्माण के लिए इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन कहां पर किया? चेन्नई, कपूरथला, अमेठी या फिर रांची? तो अमेठी में इसका उद्घाटन किया गया है। ये वो नई राइफल है AK-203। निम्नलिखित में से किस खेल को 2022 एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? क्रिकेट, पैराग्लाइडिंग, पेनाक सिल्ट या फिर रोलर खेल? तो क्रिकेट को 2022 एशियाई खेलों के लिए शामिल कर लिया गया है। सर्वप्रथम भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? नरेंद्र पाटनी, अभिनंदन वर्तमान और मंगल प्रभात लोढ़ा और भंवरलाल हीरालाल। इसका आंसर है अभिनंदन वर्तमान। डिजाइनिंग डेस्टिनी द हर्टफुलनेस वे के पुस्तक वे पुस्तक के लेखक कौन है? कमलेश पटेल, विक्रम चौधरी, राजश्री चौधरी या अर्णव सिन्हा? तो इसका आंसर है कमलेश पटेल। सेनेगल के नव निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? मेडिगेक नेंग, मैकी साल और एड्रिसा सैक और ओशोमैन सोनोको? तो इसका आंसर है मैकी साल। मैकी साल सेनेगल के अभी हाल ही में एक राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, ये मैकी साल की पिक है। कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादक बन गया है? यानी जो कौन सा राज्य अभी भारत का वो सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है? नई दिल्ली, त्रिपुरा, महाराष्ट्र या असम? अब ऑब्वियस है नई दिल्ली तो हो नहीं सकता, वहां तो कोई ऐसी प्राकृतिक गैस उत्पादन करने के लिए कोई जगह है ही नहीं। महाराष्ट्र, असम या त्रिपुरा? तो इसका आंसर है त्रिपुरा, भारत में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है संप्रति 2019। ध्यान रखना, संप्रति 2019। निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सेना अभ्यास है? भारत और बांग्लादेश, भारत और यूएस, भारत और रूस, भारत और सिंगापुर? तो इसका आंसर है भारत और बांग्लादेश के बीच में ये अभ्यास होता है संप्रीति। उस संगठन का नाम बताइए जिसे विश्व की सबसे नैतिक कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है, यानी सबसे एथिकल कंपनी के रूप में किसको मान्यता दी गई है? याहू, गूगल, टाटा इस्पात या फिर एप्पल? तो इसका नाम है टाटा इस्पात। कम दूरी से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल अभिनंदन वर्तमान ने अपने MiG-21 वायसन से पाकिस्तानी F-16 को मार गिराने के लिए किया था। ध्यान रखना,
पहला तो इसमें अब दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अभिनंदन वर्तमान को पहले जैसे क्वेश्चन बताया, सबसे पहले जो महावीर पुरस्कार है वो मिला है, दूसरा पहला महावीर पुरस्कार इन्हीं को मिला है, दूसरा अब इन्होंने जब पाकिस्तान के साथ में सीमा पर हलचल हो रही थी तब इन्होंने अपने जो MiG-21 बायसन विमान था, विमान का नाम भी MiG-21 बायसन ध्यान रखना, तो इन्होंने पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया। देखिए जो MiG-21 बायसन है, अगर उससे पाकिस्तानी F-16 विमान को मारना है तो टेक्निकली तीन विमान चाहिए MiG-21 बायसन, इतना ज्यादा एडवांस विमान है F-16 जो कि अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया है। लेकिन इन्होंने अपने MiG-20 बायसन केवल एक अकेले विमान से ही पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया, तो उसके लिए उन्होंने कौन सी मिसाइल का यूज किया था? R-63 मिसाइल, R-73 मिसाइल, R-60 मिसाइल या फिर R-53 मिसाइल? तो इन्होंने R-73 मिसाइल का यूज किया था। ये देख सकते हैं, ये R-73 मिसाइल है जिसका यूज करके अभिनंदन वर्तमान ने जो पाकिस्तान का F-16 विमान था उसको मार गिराया था। IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित भारत के पहले ब्रेल लैपटॉप का नाम क्या है? डॉट बुक, ब्रेल लैपटॉप और ब्रेल बुक और ब्रोडेल लैप। तो इसका आंसर है डॉट बुक, यानी जो डॉट बुक है वो IIT दिल्ली के द्वारा विकसित, पहला तो ध्यान रखना IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने बनाया है, और भारत में निर्मित यह पहला ब्रेल लैपटॉप है। एरोस्पेस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर एक मानव रहित क्रू ड्रैगन टेस्ट कैप्सूल लॉन्च किया है? नासा, एरेना ग्रुप, स्पेस एक्स हो या ब्लू ओरिजन? तो इसका नाम है स्पेस एक्स ने अभी हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर एक मानव रहित क्रू ड्रैगन टेस्ट कैप्सूल लॉन्च किया है। प्रयागराज में कुंभ मेला 2019 से कब तक के लिए आयोजित किया गया? ध्यान रखना ये काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि हम UBPCS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कुंभ मेला जो काफी ज्यादा चर्चा में रहा तो जनवरी 1 से मार्च 6 तक, जनवरी 15 से मार्च 4 तक, और जनवरी 10 से मार्च 2 तक, और जनवरी 10 से फरवरी 28 तक। तो इसका आंसर है जनवरी 15 से मार्च 4 तक जो कुंभ मेला था वो हुआ था प्रयागराज में। हाल ही में रेलवे के एक नए जोन को बनाने की घोषणा हुई थी जो कि दक्षिणी तटीय रेलवे का नाम दिया गया है, तो अब इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित होगा? विजयवाड़ा, हैदराबाद, सिकंदराबाद या फिर विशाखापट्टनम? तो ये विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय स्थित होगा। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से कितने रुपए का सिक्का जारी करने को कहा है जो कि तांबा, जस्ता और निकल में बनाया जाएगा? यानी वित्त मंत्रालय ने एक सिक्का जारी करने के लिए कहा है जो कि तांबा, जस्ता या और निकल में बनाया जाएगा, 15, 20, 25 या फिर 50 रुपए? तो इसका आंसर है 20 रुपए का सिक्का। ये वो 20 रुपए का सिक्का आप देख सकते हैं जिसे वित्त मंत्रालय अब जारी करेगा। तो 8 मार्च 2019 को भारत में बच्चों के अध्ययन के लिए गूगल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? बोलो ट्यूटर, स्टडी ट्यूटर, गूगल स्मार्टी या फिर स्मार्ट किड्स? तो गूगल ने बोलो ट्यूटर ऐप लॉन्च किया था 8 मार्च 2019 को बच्चों के अध्ययन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन अगर अभी भी आपके कोई दिक्कत है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अपना कोई भी सजेशन या फीडबैक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाकी ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।